हेलो फ्रेंड, वेलकम टू शेडीगढ़। अभी जो पहली शिफ्ट का एसएससी सीचीएसएल का एग्जाम खत्म हुआ है, तो उसकी एनालिसिस लेकर आया हूँ। यहाँ पे जनरल अवेयरनेस के जो भी क्वेश्चन मिले हैं वो आपके सामने हैं। जैसे यहाँ पे करंट अफेयर कौन सा पूछा गया था, तो 2018 के करंट अफेयर, 2019 करंट अफेयर पूछ रहा है। तो आप ध्यान रखना, अभी लेटेस्ट करंट अफेयर नहीं पूछ रहा है। और यहाँ पे सबसे पहला करंट अफेयर क्वेश्चन है कि पंकज आडवाणी ने अभी तक कितने मेडल जीते, ये पूछा गया था। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2018 किसने जीता था, तो आप ये ध्यान रखें। 2019 का नहीं पूछा है इसने, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2018 का पूछा गया था। एक बुक्स और ऑथर से संबंधित क्वेश्चन थे, और संविधान दिवस कब मनाते हैं ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट, इसमें भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी बेसिन कौन सा, ये था क्वेश्चन। और एक था यहाँ पे राज्य हड़प नीति कौन लेके आया था। और नेक्स्ट है मध्यमंडल के बारे में एक कोई क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन अभी क्लियर नहीं है कि कौन सा था। जो जैसे भी क्वेश्चन जो भी मिलते जाएंगे आपको, नेक्स्ट वीडियो में पूरा एकदम कंप्लीट क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। और नेक्स्ट, इसमें अर्थक्वेक इंटेंसिटी की रेंज कितनी है, ये पूछा गया था। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान झंडा किसने फहराया था, ये पूछा गया था। और जैसे रीजनिंग कैसी आई थी, तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछे गए थे, जहाँ तक सबने 23 से 24 क्वेश्चन किए हैं। तो आप ईजी टू मॉडरेट मान सकते हैं रीजनिंग को, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं थी, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे। और मैथ भी ईजी था, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं थे क्वेश्चन। इंग्लिश में क्लोज टेस्ट आया था, ध्यान रखना इंग्लिश में क्लोज टेस्ट पूछे गए थे, पैसेज नहीं आया था। ये दो 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 ईडियम फ्रेजेस थे, और कहना कुल वर्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो पूछ रहा है तो वही पूछ रहा है। और जैसे भी पैटर्न पिछला आया था, जो भी एग्जाम अभी हुआ था मार्च में, उसी अनुसार ही जो इंग्लिश पूछ रहा है वैसे ही पूछ रहा है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।